नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यास चक्रवात का भारी असर दिख रहा है सूबे बिहार पर। लालू यादव ने नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की कर दी मांग। बिहार ग्रामीण डाक सेवकों के 1940 पदों पर भर्ती के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तारीख। पंचायत चुनाव के मुद्दे पर रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र। देश भर में कोरोना मामलों में आ रही है स्थिरता। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। यास चक्रवात का भारी असर दिख रहा है सूबे बिहार पर। यास तूफान का बिहार में असर कल दिन से ही दिखना शुरू हो गया था और इसके लिए मौसम विभाग ने भी पहले चेतावनी दे दी थी, मगर अब इसका असर व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य में 27 और 28 मई को पटना, गया, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और किशनगंज जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। पटना में कल रात से ही बारिश के साथ तेज हवा का बहना जारी है। बता दें कि चक्रवाती तूफान यास का असर विमानों के परिचालन पर भी हुआ है। पटना एयरपोर्ट से 20 जोड़ी विमानों के परिचालन को रद्द किया गया है। वहीं पूर्व मध्य रेलवे ने 15 स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसे लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमें भी तैनात की गई है। वहीं पटना के लिए यास तूफान के खतरे को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो कि इस प्रकार है 0612-221-983-4, 221-9123-4, 221-9199-221-9915। दरभंगा एयरपोर्ट के जरिए महानगरों में भेजी जाएगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची। मुजफ्फरपुर की मीठी शाही लीची की प्रसिद्धि सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है और हर एक साल बड़े पैमाने पर यहां से लीची देश के विभिन्न महानगरों के अलावे विदेशों में भी भेजी जाती है। वहीं अब इसे देखते हुए ताजी लीचियों को दरभंगा एयरपोर्ट से भी भेजने की तैयारी चल रही है। इसके तहत एयरपोर्ट प्रशासन से लगभग सहमति बन गई है, बस टाइमिंग को लेकर विचार किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लीची व्यवसायी को कितनी लीची भेजनी है और कब भेजनी है इसकी सूचना दरभंगा एयरपोर्ट को एक दिन पहले देनी होगी। इस तरह से लीची सुबह 10 बजे तक एयरपोर्ट तक आ जानी है, ताकि जांच व अन्य प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसे वायुयान के लगेज में यात्रियों के आने से पहले रखा जा सके। फिलहाल इस एयर स्टेशन से कार्गो सेवा नहीं चालू है, इसलिए इसी तरह से व्यवस्था किया जाना है। बिहार ग्रामीण डाक सेवकों के 1940 पदों पर भर्ती के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तारीख। भारतीय डाक ने बिहार सर्किल में 1940 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। इसके लिए पहले 26 मई अंतिम तारीख थी, जिसे 29 मई तक आवेदन के लिए बढ़ा दिया गया है। बताते चले कि इसके तहत असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पदों को भरा जाना है। इसके तहत बिहार के पटना, पटना साहिब, गया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, वैशाली, सिवान, सीतामढ़ी आदि जिलों में नियुक्ति होनी है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन 10वीं परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर होगा। इसी के अनुसार मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। वहीं आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी लेने के लिए वेबसाइट appost.in/gd-online पर जाकर ले सकते हैं। पंचायत चुनाव के मुद्दे पर रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र। बिहार पंचायत चुनाव करीब स्थगित होने के कगार पर पहुंच गया है और इस कोरोना महामारी व लॉकडाउन के बीच चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। वहीं अगले महीने जून में सभी मुखियाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में जून के बाद पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से चलेगी, इस पर राज्य में विवाद शुरू है। इसी क्रम में पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की अधिकतर योजनाएं जो पंचायतों के विकास से संबंधित है, उनके कार्यान्वयन में प्रशासनिक संकट पैदा होने की स्थिति है और ऐसी स्थिति में बिहार सरकार को कोई ऐसा निर्णय लेना होगा। जिसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध को माना जाए और पंचायती राज व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों के अधिकार को तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए जब तक चुनाव नहीं होते हैं। पटना हाईकोर्ट ने पुलिस की बर्बरता पर सरकार को दी सख्त नसीहत। पटना हाईकोर्ट की तरफ से नीतीश कुमार को लॉकडाउन के नाम पर पुलिस द्वारा कुछ जगहों पर बर्बरता के मामलों को देखते हुए सख्त हिदायत दी गई है, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की पीठ ने कोविड-19 से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि लॉकडाउन के नाम पर हो रही पुलिस की बर्बरता को रोका जाए और गाँव के लोगों को उन्हीं की भाषा में कोरोना वायरस के उपायों को सूचना दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नाम पर यदि पुलिस बर्बरता करती है तो पर तुरंत रोक लगाई जाए। सरकारी कामों की हकीकत जानने के लिए खुद पड़ताल कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द सरकारी कार्यों और दावों की जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं।
इस संबंध में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में कई बातों पर चर्चा की, जिसके दौरान ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने पर वो खुद ही हो रहे कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए निर्माण स्थल पर जाएंगे। वहीं इस बैठक में मानसून के पहले अधिकारियों से बाढ़ से बचाव, हर खेत तक पानी की वस्तु स्थिति, बाढ़ग्रस्त इलाके की तैयारी और वहां चलाए जा रहे निर्माण कार्य की जानकारी ली गई और काम पूरे करने के सख्त निर्देश दिए। वहीं कोताही बरतने पर सीएम खुद ही पड़ताल करके सख्त कदम उठाएंगे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से बचाव के बारे में भी पूरी जानकारी ली। इसके साथ ही गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत गंगा नदी के पानी को संग्रहित कर शुद्ध पेयजल के रूप में राजगीर, बोधगया, गया और नवादा तक पहुंचाने की योजना को तेजी से पूरा करने का टास्क दिया है। राज्य के 40,000 ट्रांसजेंडरों को मिलेंगे 1,500 रुपए। कोरोना महामारी ने ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन पर बुरा प्रभाव डाला है। लॉकडाउन में पैसे के अभाव में इनका जीवन गुजारना मुश्किल हो रहा है। इसे देखते हुए बिहार सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रत्येक ट्रांसजेंडर को 1,500 रुपए का निर्वाह भत्ता देने का फैसला किया है। इस कदम से सूबे के 40,000 ट्रांसजेंडर समुदाय को फायदा मिलेगा। वहीं ट्रांसजेंडर लोगों के लिए काम कर रहे एनजीओ और समुदाय आधारित संगठनों को इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है। बताते चले कि सिर्फ पटना जिले में ट्रांसजेंडर की आबादी 2700 से अधिक है। इसके तहत कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति या फिर ट्रांसजेंडर व्यक्ति की ओर से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं ट्रांसजेंडरों के लिए एक मुफ्त हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, जिसके तहत सोमवार से शनिवार के बीच सुबह 11 से 1 और दोपहर 3 से 5 के बीच हेल्पलाइन नंबर 8882133897 पर विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। यास चक्रवात के कारण पटना एयरपोर्ट से 62 फ्लाइटों को किया गया रद्द। बिहार में यास तूफान का असर बुधवार से ही दिख रहा है। वहीं इसका असर पटना एयरपोर्ट से उड़ने वाली विमानों पर भी बीते दिन दिखा। इसकी वजह से कोलकाता आने जाने वाली 2 जोड़ी फ्लाइटों समेत 31 जोड़ी फ्लाइटें यानी कि कुल 62 फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। वहीं इस संबंध में एयरपोर्ट निदेशक ने कहा कि तूफान के साथ साथ यात्रियों की कमी के कारण भी फ्लाइटों की संख्या को कम किया गया है। पिछले 20 दिनों से कोरोना के कारण विमान यात्रियों की संख्या बेहद कम हो गई है, जिसके कारण विमानों का परिचालन घाटे का सौदा हो गया है और फ्लाइट ऑपरेशन को रद्द करने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं प्रतिदिन 10 से 15 जोड़ी फ्लाइटों को यात्रियों की कमी के कारण रद्द किया जा रहा है। बताते चले कि पहले पटना एयरपोर्ट से 48 जोड़ी विमानों का परिचालन किया जा रहा था, जबकि बुधवार को तूफान के कारण केवल 17 जोड़ी विमानों का परिचालन हुआ। वहीं आज भी 20 जोड़ी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। लालू यादव ने नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की कर दी मांग। बिहार की राजनीति के 2 धुरंधर लालू यादव और नीतीश कुमार रहे हैं। दोनों ने ही राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की कमान संभाली है। वहीं लालू की पार्टी आरजेडी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। इस बीच लालू यादव ने नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग रख दी है। दरअसल लालू ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्हें स्वास्थ्य केंद्र बंद कराने के लिए नोबेल पुरस्कार देने की मांग की है। बताते चले कि मधुबनी के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के हरसुवार गाँव के उप स्वास्थ्य केंद्र के बदहाली की एक तस्वीर राजद मधुबनी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। इसे ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार तंज कसा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मधुबनी के जनता मालिकों का कहना है कि जिले में ऐसे सैकड़ों स्वास्थ्य केंद्र बंद कराने के लिए नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित कराना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार की पहल पर सिक्किम से बिहार लाया जाएगा एक मृतक का शव। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में बिहार के कई प्रवासी मजदूर लौट आए हैं, मगर इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो बिहार लौट नहीं पाए। ऐसे में एक मामला किशनगंज से आया है, जहां सिक्किम में जाकर काम करने के दौरान कोरोना से शख्स की मौत हो जाने के बाद उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसके बाद इस मामले में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल की है और बाहर से मृतक के शव वापस उसके पैतृक गांव भेजने की अपील की है। दरअसल किशनगंज के पोठिया प्रखंड के दुबानोची गांव निवासी नूरुल हुदा की सिक्किम में कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद इनके परिजनों ने गैंगटोक जिला प्रशासन से 24 मई को ही इसके लिए आग्रह किया था, पर उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया। जिसके बाद नीतीश कुमार तक मामला पहुंचने के बाद उन्होंने खुद सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को पत्र लिखा और उनसे फोन पर बात भी की थी, जिसके बाद सिक्किम सरकार उस व्यक्ति का शव सौंपने के लिए राजी हो गई है। इसके बाद शव को लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। जीतन राम मांझी ने ट्विटर इंडिया से अकाउंट वेरीफाई कराने की लगाई गुहार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए परेशान हैं और इसके लिए वे बीते कुछ महीनों से लगातार अपना ट्विटर अकाउंट वेरीफाई करने की ट्विटर इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ट्विटर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिसके बाद एक बार फिर से अपने अकाउंट पर ब्लू टिक लगवाने को लेकर मांझी ने बुधवार को एक ट्वीट किया है, जिसके तहत उन्होंने ट्विटर इंडिया को टैग करते हुए लिखा कि मैं बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का संस्थापक हूँ। मेरा अनुरोध है कि मेरे ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई किया जाए, साथ ही उसे ब्लू बैज प्रदान किया जाए। ऐसा नहीं होने की वजह से मेरे अकाउंट की विश्वसनीयता घट रही है, क्योंकि कई लोग मेरे नाम से फेक ट्विटर हैंडल चला रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति इन दिनों ट्विटर पर काफी चमक रही है। एक तरफ विपक्षी पार्टी आरजेडी प्रमुख के परिवार के सदस्य ट्विटर पर मुखर हो रहे हैं, वहीं मांझी व उनके परिवार वाले भी बीते कुछ महीनों से ट्विटर पर काफी एक्टिव हो गए हैं।
सुशील मोदी के बयान पर भड़क उठी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने अपने एक बयान से अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर ट्विटर वार छेड़ दिया है। दरअसल केंद्र की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने पड़ोसी राज्य झारखंड द्वारा वैक्सीन की बर्बादी का आरोप लगाया है। इस संबंध में बुधवार को ट्वीट कर उन्होंने कहा कि जिस झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अमर्यादित टिप्पणी की थी, आज वहां वैक्सीन की बर्बादी सबसे ज्यादा 37.3% हो रही है। झारखंड में हर तीसरी वैक्सीन किसी के काम आने के बजाय बेकार हो रही है। वहीं दूसरी ओर इन सारे आरोपों को झारखंड के मुख्यमंत्री ने खारिज कर इसे हास्यास्पद बताया है। वहीं सुशील मोदी के ट्वीट पर उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी भड़क उठी है। JMM ने लिखा कि इनसे अपना राज्य नहीं संभल रहा और चले हैं झूठ की नींव पर महल बनाने। इसके साथ ही JMM ने बाढ़ के समय लोगों को छोड़कर भागने की घटना का भी जिक्र किया और इस मुद्दे पर सुशील मोदी को शर्म करने की बात कही। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अब सेशन कोर्ट जाएंगे पप्पू यादव। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने 32 साल पुराने मामले में जमानत लेने को लेकर आज मधेपुरा की निचली अदालत को जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक मधेपुरा के ACJM ने उन्हें अब सेशन कोर्ट में अपील करने की बात कही है। बताते चले कि हाईकोर्ट ने जिला स्तर पर कोर्ट की कार्यवाही करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद वर्चुअल माध्यम से आज पप्पू यादव की मामले में सुनवाई आज से शुरू हुई थी, लेकिन उनके द्वारा जमानत की अर्जी देने पर उसे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद सूत्रों के मुताबिक अब पप्पू यादव के वकील जमानत के लिए 1 से 2 दिनों में मधेपुरा सेशन कोर्ट जाएंगे। जश्न को छोड़ ग्लेन मैक्सवेल ने तेंदुलकर को लगाए गले। सचिन तेंदुलकर यूं ही क्रिकेट के भगवान नहीं कहे जाते हैं। उन्होंने साल 2013 में भले ही संन्यास ले लिया, लेकिन उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश खिलाड़ियों के बीच भी बरकरार है। ऐसा नजारा देखने को मिला जब ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने इंटरव्यू को छोड़कर सचिन को गले लगा लिया। दरअसल मैक्सवेल द्वारा सचिन को गले लगाने का वाकया साल 2015 के विश्व कप फाइनल के दौरान का है, जिसमें सचिन को 2015 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम जब मैदान पर विश्व कप जीत का जश्न मना रही थी, उस वक्त इस टीम के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने मास्टर ब्लास्टर के प्रति सम्मान और प्यार दिखाया था और इंटरव्यू छोड़कर उनसे गले मिलने को दौड़ पड़ी थी। देश भर में कोरोना मामलों में आ रही है स्थिरता। देश भर में कोरोना के मामले इन दिनों औसतन 2 लाख के करीब आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,11,553 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान कुल 3,842 मरीजों की जांच ली गई है। वहीं देश भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 24,19,907 हो गई है। अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे में 2,603 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान कुल 6,641 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 30,992 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले लगातार घट रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 94.87% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों और कार्यकाल को पंचायत चुनाव होने तक के लिए बढ़ा देना चाहिए या नहीं। अब अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।